सिंगरौली में लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, इसी के चलते अब शासन और प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया। कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीणा ने जिलेवासियों से जहां अपील की है, तो इसके अलावा मंत्री श्री राम खिलावन पटेल और यहां पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन भी किया है, जहां कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पूरे मामले को स्पष्ट कीजिए, एक महत्वपूर्ण बैठक का यहां पर आयोजन किया गया था, क्या आखिरकार उसमें निर्णय निकला है और उसके अलावा कलेक्टर के निर्देश का किस तरीके से क्षेत्र में पालन किया जाएगा? जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, 16 तारीख को प्रभारी मंत्री कोविड-19 के प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल जी का सिंगरौली आगमन हुआ और 17 तारीख को मीटिंग ली गई जिला सभागार कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ में, जिसमें कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला सीओ साकेत मालवी और तीनों विधायक, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश, देवसर विधायक सुभाष रामचेत वर्मा और चितरंगी विधायक अमर सिंह के उपस्थिति में आपदा प्रबंधन की बैठक की गई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में भयंकर बढ़ रहे कोविड के लिए इसकी रोकथाम के लिए कुछ उपाय किया जाए, जिसके तहत हर प्रकार से मास्क लगवाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए और अनावश्यक किसी रूप से बाजार में या किसी भी जगह में न घूमा जाए, इसके लिए जिला प्रशासन विशेष जोर दे। गौरतलब बात यह है कि जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि आपके सिंगरौली में 17 तारीख का जो मुख्य अपडेट है, उसमें अब तक जिले में कुल लगभग 3068 जो पॉजिटिव केस हैं, उसमें से 145 सिर्फ 17 तारीख को पॉजिटिव केस प्राप्त हुए हैं और जिनकी 2 कल मृत्यु हुई है, कुल मृत्यु की आंकड़ा 34 हो चुकी है और आज तक जो ठीक हुए हैं उसमें 36 मामले जो कोरोना पॉजिटिव से विजयी हुए हैं और शेष बचे हुए 2194 केस हैं। इसमें चिंता जाहिर करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में इसके लिए सुचारू तरीके से नियंत्रण किया जाए। जी आशुतोष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।